हेलो गाइस। तो गाइस क्या हाल है सबका। तो गाइस आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से प्लॉट पे आया हूँ। तो गाइस पहले तो ठंड बहुत थी, तो इसीलिए प्लॉट में आना कम हो गया था। बहुत ज़्यादा ठंड के कारण सारी सब्जी वगैरह भी ख़राब हो गई थी, थोड़ी बहुत सब्जी लगी है। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि गोभी और मटर लगाए हैं। अभी ये देखिए मम्मी जी लगे हुए हैं, ये देखिए गाइस, ये मम्मा लगे हुए हैं गाजरें, ये इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए ऑर्गेनिक गाजर गाइस। जो हमने मटर लगाए थे वो ठंड के कारण हुए नहीं। अभी आपको दिखाता हूँ उनका क्या हाल है। ये देखिए गाइस, ये देखिए इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, कोहरा पड़ रहा था, इसीलिए तो मटर बिल्कुल भी नहीं हुए। ये देखिए इसमें बस फूल निकले हैं लेकिन मटर नहीं लगे। गोभी अभी आपको दिखाते हैं जहाँ पे गोभी लगाई थी। ये देखिए गोभी, गोभी का देखो छोटा सा फूल। अभी धूप निकलने लगी है तो इसीलिए थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी ये चल पड़ी है, लेकिन दो तीन फूल ही निकले हैं। ये देखिए, ये एक ये है और एक ये है, जो बाकी है इस पे कोई फूल नहीं आया गोभी का, आप देख सकते हैं। ये देखिए सरसों लगी हुई है। गाय, जो हमने ब्रोकली लगाई थी वो थोड़ी सी चल पड़ी है, ब्रोकली लग गई है, ब्रोकली के फूल निकल आए हैं, तो अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें ना हम गाइस बिल्कुल भी पेस्टिसाइड नहीं डालते, तो एक ये भी कारण हो जाता है कि जो सब्जी है वो अच्छे से नहीं बढ़ती, अच्छे से नहीं तैयार होती, क्योंकि कीड़े वगैरह तो लग ही जाते हैं। हम इस पे देसी खाद डालते हैं बिल्कुल, जो होती है देसी खाद से बढ़िया चल जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो ठंड के कारण इनकी ग्रोथ नहीं हुई, इनकी ग्रोथ रुक गई थी। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तुलसी लगी हुई है, और ये देखिए इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं तुलसी के। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्रोकली। ये देखिए गाइस ब्रोकली लग गई है, ये देखिए कितना खूबसूरत फूल है इसका। और गाइस ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये देखिए ब्रोकली तैयार हो गई है। ब्रोकली के हम परांठे खाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं परांठे। ये देखिए ये छोटा सा फूल है, ये ब्रोकली तैयार हो गई है। दो चार दिन में और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इसकी, एंड बिल्कुल तैयार हो जाएगी, खाने के लायक हो जाएगी। ये जो दो तीन फूल हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये वाला जो तीन चार फूल हैं, ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, खाने के लायक हो जाएंगे। ये देखिए गाजर, क्या बनाना मम्मी गाजरों का? बनाएंगे हलवा बनाओगे? मम्मा बोल रहे हैं किसी को दे देंगे, आस पड़ोस में दे देंगे गाजरें, क्योंकि ऑर्गेनिक गाजर है, बहुत ही टेस्टी है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा इसको गाजरें को धो के ना अच्छी तरह से इसका हलवा बनाएंगे। क्यों मम्मी? हलवा बनाएंगे। ये देखिए मम्मा ने गाजरें, इसको पत्ते तोड़ रहे हैं, पत्ते तोड़ के इसको अलग कर रहे हैं। ये देखिए पापा के हाथ में चोट लग गई है, इसीलिए पापा अभी यहाँ पे प्लॉट पे कुछ नहीं करते, बस पानी वगैरह दे देते हैं पाइप से। तो गाइस हमारे प्लॉट पे चोरी भी हो गई है, आपको दिखाता हूँ मैं। हमने तो अपनी सेफ्टी के लिए गाइस ये जो दीवार है इस पे कांच लगाया होगा, कोई अंदर ना घुसे, लेकिन जो चोर हैं वो बहुत स्कीम से चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये जो कॉर्नर है ना, ये जो कॉर्नर है इसका कांच उन्होंने तोड़ दिया। कांच तोड़ के बाहर की जो तरफ है, बाहर की तरफ एक दीवार है छोटी सी, उस पे पैर रख के वो अंदर आ गए। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे सामान पड़ा था, चोरों ने क्या किया,
जो हमारा यहाँ पे सामान पड़ा था, कही, खुरपा जिससे हम गुडाई करते हैं, पाइप, बड़ी वाली पाइप थी पानी के लिए, वो भी चोरी करके ले गए। और जो बोलते हैं उसको कढ़ाया बोलते हैं, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं तसला, बट्ठल बोल देते हैं जिसमें मिट्टी वगैरह डाल के डालते हैं, वो भी ले गए उठा के। काफ़ी सामान था जो वो उठा के ले गए चोर। तो इसीलिए हम इसको दोबारा से रिपेयर कराएंगे, कांच फिर से लगवाना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, केलों का क्या हाल होगा ठंड के कारण। ये केलों के पत्ते भी देखो कैसे हो गए हैं, इतने खूबसूरत पत्ते होते हैं इसके केले के, लेकिन ये ठंड के कारण, ये देखिए आप पत्तों का क्या हाल हो गया है। और ये देखिए केले लगे हुए हैं, और केलों की ग्रोथ भी कुछ खास नहीं हुई, बहुत ही छोटे से केले लगे हुए हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और बहुत बहुत थैंक्स गाइस, आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। आपने जो मैंने पहले गोभी और मटर की सब्ज़ी लगाई थी उसकी वीडियो बनाई थी, तो आपने उसको भी बहुत पसंद किया था। अभी गाइस मैं अभी नहीं, इसको इसमें बाल्टी में डाल लेता हूँ, तो फिर इसमें पानी डाल के ना इसको धो दूँगा। तो गाइस अभी इस गाजरों को अच्छी तरह से धोएंगे, उसके बाद इसका हलवा बनाएंगे गाजर का। ऑर्गेनिक गाजर, ये आज सारी तोड़ लेनी है ओके ओके। इसमें पानी डाल के ना एक बार मैं इसको मल लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर पानी बदल के ना उसके बाद फिर इसको धो लेंगे, अच्छे से साफ हो जाएगा। इसको लेके कैसे जाएंगे, कोई लेके आया आप झोला वगैरह, लिफाफा वगैरह? ये देखिए गाइस, गाजर यहीं से डाल लूं पाइप से पानी। ये पाइप को भी हमको घर पे लेके जाना पड़ेगा। शुक्र है ये पाइप छोड़ दी उन्होंने चोरों ने, नहीं तो मुश्किल हो जाना था। तो गाइस अभी मैं गाजरें धो लूँ, ठीक है? तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ये देखिए गाइस, गाजरें धोने का तरीका ये पापा ने दिया है, छोटी लाठी, इसको ऐसे घुमा के अच्छे से, ये देखिए सारा पानी कैसे मिट्टी वाला हो गया। ये देखिए गाइस, गाजरें धुल गई हैं, ये बढ़िया 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 छोटी मिक्सी है सभी। ऑर्गेनिक गाजर तो फिर इतनी सी होती है, बढ़िया वाली गाजर है, ऑर्गेनिक गाजर है, देख लो कितनी खुशबू आ रही है इसकी, है ना गाजर की। हलवा बनने से पहले हलवे की खुशबू आ गई।